दोस्तों किया सेल्टोस की हम जिस वेरिएंट के अंदर बैठे HT-X वेरिएंट, ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या फिर नहीं? तो मुझे लगता है ये जिस प्राइस पॉइंट में ऑफर किया जाता है 18,20,000 आपको एक शोरूम पड़ने वाला इस वेरिएंट का। अगर आप इसकी प्लस वेरिएंट को चूज करेंगे तो वहां पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी आ जाएगा, उसके लिए आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये जो वेरिएंट है इसके अंदर सब कुछ आपको टॉप नॉच मिलता है, कोई भी जगह पे आपको कमियां छोड़ी नहीं गई है, आपको बस यहाँ पे एडस नहीं आता है। अगर आपकी एडस की नीड नहीं है तो आप डेफिनेटली इस वेरिएंट को चूज कर सकते हो, ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपके लिए होने वाला है। हाय गाइस, वेलकम टू मोटर पेंट पर आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक ऐसी कार के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे चाबी दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए बहुत स्टाइलिश की है। आप बताइए हम किस कार के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 4 बटन के साथ चाबी ऑफर की जाती है, और इसकी जो बटन है ना वो कुछ आपको ये बीट के ऊपर ऑफर की जाती है, साइड बीट पे। मैक्सिमम कार के अंदर यहाँ पे होता है, लेकिन इस कार के साथ यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इस कार की एक मोनोपोली आप कह सकते हो। यहाँ पे 4 बटन आते हैं, लॉक, अनलॉक, होल्ड एंड बूट ओपनिंग स्विच। होल्ड बटन की जो फंक्शन है वो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, पहले आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप मेरे साथ जो गाड़ी है ये देख लीजिए, टेक लाइन के अंदर आते हैं, और टेक लाइन के अंदर सबसे ज्यादा प्रीमियम कार यही वाला आता है, क्योंकि इसको बोला जाता है HT-X वेरिएंट। और ये जो वेरिएंट है ये आपको डीजल ऑटोमेटिक के साथ ऑफर की जाती है। तो इस वेरिएंट के साथ आपको क्या कुछ फीचर्स मिलता है और ये गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा या फिर नहीं, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऑल्सो यू कैन लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल। पहले आप यहाँ पे फ्रंट लुक देख लीजिए, HT वेरिएंट के साथ, मतलब HT जो सेगमेंट आता है इस सेगमेंट के साथ भी आपको फ्रंट लुक एग्जैक्टली सेम मिलता है जो आपको GT लाइन या फिर X लाइन के साथ मिलता है। बस डिफरेंस कहां पे है वो मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पे लाइट सिर्फ एक बार आप देख लीजिए। टर्न इंडिकेटर जैसे आप ऑन करेंगे यहां पे फ्लोटिंग में आपको टर्न इंडिकेटर्स प्रोवाइड की जाती है, बहुत प्रीमियम दिखता है। और यहां पे ऊपर की तरफ मेन जो लाइट सेटअप है ये भी आप देख सकते हो, कंप्लीटली LED लाइट्स ऑफर की जाती है, और क्रिस्टल क्लियर आपको LEDs प्रोवाइड की जाती है। आप यहां पे देख लीजिए 3 बैरल में ऑफर की जाती है, लो बीम, हाई बीम सब कुछ आपको इसके अंदर ही मिलेगा। ये DRL की जो डिजाइन है ना ये आपको कहीं ना कहीं किया को रिप्रेजेंट करता है, और ये DRL आपको सामने की तरफ यहां तक कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, ये भी बहुत ज्यादा अमेजिंग दिखता है। आपको यहां पे एक डिजाइन एलिमेंट और दिखेगा जो बेसिकली क्रोम का पार्ट है, बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली एक अमेजिंग स्टंट आपको यहां पे मिलने वाला है। यहां पे इस कार के साथ और GT लाइन एंड X लाइन के साथ जो डिफरेंस मिलेगा वो आपको यहां पे कोई भी रडार आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पे आपको एडस नहीं आता है। लेवल 2 जो एडस आता था वो आपको टॉप वेरिएंट के अंदर दिया जाता है, लेकिन HT वेरिएंट के साथ आपको यहां पे कोई भी एडस की कनेक्टिविटी नहीं दिया जाता है। ये बस एक डिफरेंस है, बाकी ओवरऑल फ्रंट लुक आपको सेम ही देखने को मिलता है। फॉग लैम्प सेक्शन देखेंगे तो वो भी आप एक बार देख लीजिए, 4 आइस क्यूब टाइप डिजाइन में ऑफर की जाती है। पहले 3 क्यूब ऑफर किया जाता था, अभी 1 क्यूब और ऐड किया गया है, तो इसकी वजह से इसकी लुक और भी ज्यादा एनहांस होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स देख सकते हो, 4 पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। नीचे की तरफ इसकी स्ट्रेट प्लेट की डिजाइन भी देख सकते हो, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अभी साइड पैनल्स की बात कर लेते तो साइड पे एक बार आ जाइए, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो टायर ऑफर की जाती है 215/60R17 17 इंच की कंप्लीट रेडियल ट्यूबलेस टायर ऑफर की जाती है। अलॉस की डिजाइन भी देख सकते हो, तो डायमंड का ड्यूल फिनिशिंग के साथ बहुत स्टनिंग दिखता है। यहाँ पे डिस्क विथ ABS सब कुछ मिल जाएगा। HT-X ये जो वेरिएंट है यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल ORVM ऑफर की जाती है। मैं आपको एक बार चेक कर बता देता हूँ, जैसे आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो देख लीजिए ये फोल्डेबल मिरर आता है इस वेरिएंट के साथ, अनलॉक करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाते हैं, बहुत अच्छा फीचर है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो डोर हैंडल्स क्रोम ट्रीटमेंट के साथ आता है, रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर की जाती है। ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड दोनों तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर इस कार के साथ मिलने वाला है। अभी चलिए पीछे की लुक आपको चेक कर देता हूँ, लेकिन ऊपर की तरफ और एक बार देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रूफ रेल्स ऐड किया जाता है, ड्यूल फिनिशिंग के साथ आता है, थोड़ा सा आपको सिल्वर स्टच ऐड किया गया है, नॉन फंक्शनल लेकिन फिर भी काफी अच्छा लुक को एनहांस करके देता है। दोस्तों इस कार के साथ आपको यहाँ पे एक बार दिखाऊं तो आप देख लीजिए, डीजल फिल करने के लिए यहाँ पे जगह, और एड ब्लू डालने के लिए यहाँ पे जगह मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था डीजल ऑप्शन के साथ आता है। एंड रियर सीट पे एक बार मैं बैठ के दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको कितना कंफर्टेबिलिटी ऑफर की जाती है। तो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए, सो देख लीजिए मैं अगर यहाँ पे बैठने की कोशिश करूँ तो देख लीजिए मेरे हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना नीरूम ऑफर की जाती है मोर देन सफिशियंट आप बोल सकते हो। गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पेसियस है, आपको कहीं से भी सफोकेशन फील नहीं होने वाला है। एंड 5 सीटिंग ऑप्शन के साथ आता है, 5 सीटिंग ऑप्शन होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा। हेडरूम भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सफिशियंट जगह छोड़ी जाती है। एक प्रॉपर SUV स्टैंड आपको इस कार के साथ मिलता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक ह्यूज पैनोरमिक सनरूफ ऑफर की जाती है जो पूरा यहां तक एक्सटेंडेड है, वो मैं थोड़ी देर बाद में आपको ओपन करके दिखाऊंगा। लेकिन सीट कंफर्ट की बात कर लेता हूं तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये जो HT-X जो लाइन आते हैं ना, HT-X जो वेरिएंट आता है इसके साथ आपको यहाँ पे सीट के अंदर यहाँ पे ड्यूल कलर ऑप्शन ऑफर की जाती है। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड थोड़ा सा ग्रेइश व्हाइट कलर ऑफर की जाती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है इस कार की ओवरऑल इंटीरियर के अंदर। इसके अंदर आपको
टेक लाइन के अंदर जो बेस वेरिएंट आता है यानी एचटीई जो वेरिएंट आता है वहां पे आपको यहां पे टैन कलर ऑफर की जाती है, लेकिन टॉप वेरिएंट के अंदर कंप्लीट ब्लैक ऑफर की जाती है। तो मुझे सबसे ज्यादा यही डिजाइन पसंद आता है। और यहां पे फ्रंट सीट पर आपको वेंटिलेशन सिस्टम नहीं आता है, हमारे साथ जो वेरियंट है HTX है, लेकिन HTX प्लस की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको वेंटिलेशन की ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर मैं यहां से दिखाऊं तो यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे एक पैसेंजर आराम से बैठेगा, बीच में भी एक पैसेंजर बैठ सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। और मैं अगर यहां पे बैठूं तो टोटल आपको यहां पे तीन पैसेंजर डेफिनेटली बहुत ही सफिशियंट स्पेसियस कंडीशन में बैठ पाएगा। और यहां पे तीन पैसेंजर के लिए आपको हेडरेस्ट भी प्रोवाइड की जाती है, मिडिल पर्सन के लिए भी हेडरेस्ट दिया जाता है, काफी अच्छी बात है। एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी आपको यहां पे मिल जाता है। That means, यहाँ पे कंपनी भी क्लेम करते हैं कि यहाँ पे तीन पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। यहाँ पे एसी वेंट्स रियर पैसेंजर के लिए दिया जाता है, ये भी आप देख सकते हो, उसके लिए वेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूएसबी आपको यहाँ पे भी ऑफर की जाती है, देख लीजिए, छोटा सा पॉकेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों टेकलाइन के अंदर आपको बेसिकली 3 सब वेरिएंट्स आते हैं। एक HTE आता है जो सबसे बेस है, उसके ऊपर आपको HTK मिलता है, एंड उसके ऊपर आपको HTX मिलता है। हमारे पास ये HTX है यानी टेकलाइन के अंदर सबसे ज्यादा टॉप वेरिएंट है। इसके ऊपर भी एक वेरिएंट आता है HTX प्लस वेरिएंट, वो वेंटिलेशन सीट के साथ आता है, यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल इसकी जो डिजाइन है रियर प्रोफाइल से भी अगर आप देखेंगे तो वो भी लगभग आपको टॉप वेरिएंट जैसे ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग लाइन में आपको DRL ऑफर की जाती है, बहुत स्टाइलिश है, कंप्लीट रेड कलर में। और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर देखेंगे तो कुछ इस तरह वर्टिकल डिजाइन है, काफी सारे छोटे छोटे क्यूब्स वगैरह भी देखने को मिलता है। एंड नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे कैमरा ऑफर की जाती है, ये भी आप देख सकते हो, रियर पार्किंग कैमरा मिलता है इस वेरिएंट के साथ, 360 डिग्री नहीं आता है। ऊपर यहाँ पे किया की जो लोगो आता है बहुत स्टाइलिश दिखता है, यहाँ पे एक वाइपर मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो विंडशील्ड विद डिफॉगर ऑफर की जाती है, ऊपर की तरफ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, एक स्पॉइलर आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड शार्किंग एंटीना भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अभी नीचे की तरफ देखेंगे तो ये स्किड प्लेट का डिजाइन भी देख सकते हो, ड्यूल कलर में आता है, बहुत स्टाइलिश है, एंड बूट्स पे सबको चेक करवा देते हो। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम आता है, एंड इसके अंदर आपको जितना बूट स्पेस ऑफर की जाती है एज पर कंपनी क्लेम्ड आपको 333 लीटर बूट स्पेस ऑफर की जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 3-4 लगेज तो आराम से फिट हो जाएगा, एक पार्शल ट्रे भी मिलेगा, ये रिमूवेबल ऑप्शन के साथ आता है। एंड इसके नीचे देखेंगे तो आपको स्पेयर व्हील विथ टूल किट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन स्टील रिम के साथ मिलेगा, कोई भी अलॉयज नहीं आता है। एंड जितना स्पेस आता है ना इसके अंदर आई थिंक सफिशियंट है, अगर आप फैमिली टूर में निकलना चाहते हो तो यहाँ पे जितना स्पेस दिया जाता है मोर देन इनफ है। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि यहाँ पे आपको एक होल्ड बटन प्रोवाइड की जाती है, तो होल्ड बटन का फंक्शन क्या है वो भी आप एक बार देख लीजिए। होल्ड बटन का बेसिकली काम ये है, जैसे आप थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करके रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक बेसिकली बहुत अच्छी फीचर है, इसकी वजह से इसके अंदर जो एसी वगैरह है वो ऑन हो जाते हैं, और गर्मी के टाइम पे ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इंटीरियर कूल्ड आपको मिलने वाला है। अगर आप कहीं पे जाना चाहते हो तो 2-3 मिनट पहले इसको स्टार्ट कर दीजिए, इंटीरियर थोड़ा सा कूल्ड हो जाएगा, आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ये एक सेफ्टी फीचर, मतलब ये एक बहुत लग्जरी फीचर के अंदर आते हैं। चलिए आपको एक बार इसके इंटीरियर पर लेके जाते हैं, यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलता है वो भी आप एक बार देख लीजिए। तो गाड़ी के अंदर जैसे हम एंटर करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, फ्रंट सीट पर अगर हम बैठने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाऊंगा इसके डोर डिज़ाइन। इसके अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे पावर विंडोज ऑफर की जाती है, 4 पावर विंडोज की कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेगा, लॉकिंग अनलॉकिंग वाला सिस्टम आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो वर्बियम्स की कंट्रोल ऑफर की जाती है, एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको स्पीकर ऑफर की जाती है, एंड नीचे की तरफ आपको वाटर बॉटल अम्ब्रेला की स्पेस, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, एंड यहाँ पे आपको लेदर टच प्रोवाइड की जाती है, सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, सॉफ्ट टच मटेरियल जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, एंड ट्विटर आपको कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ये भी आप देख सकते हो। एंड फ्रंट सीट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए सीट एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे लीवर सिस्टम ऑफर की जाती है, 6 वे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी पावर सीट नहीं दिया जाता इस वेरिएंट के साथ, लेकिन इसके ऊपर वेरिएंट पे आपको पावर सीट भी मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं स्टीयरिंग व्हील की तरफ बात करूं तो देख लीजिए मल्टी फंक्शनल आते हैं, इसके अंदर काफी सारे कंट्रोल्स हैं वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे और एक चीज आप देख लीजिए। इस तरफ देखेंगे तो आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने की बटन, हेडलैम्प एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं अभी, चलिए तो यहाँ पे आप किया की लोगो देख लीजिए सबसे पहले, जो काफी खूबसूरत दिख रहा है, एंड यहाँ पे क्रूज कंट्रोल सफर की जाती है। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट की कंट्रोल्स वगैरह ऑफर की जाती है, वॉल्यूम रेज डाउन एंड फोन उठाने के रखने की बटन, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा, मोड्स के बटन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। राइट साइड पे आपको और एक बटन यहाँ पे दिख रहा है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो ना, इसके अंदर जो MID आता है इसको आप रेगुलेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको कॉम्पस दिखा रहा है, एंड इसके साथ साथ टायर प्रेशर भी आपको यहाँ पे शो कर जाएगा जैसे जैसे आप इसको टॉगल करते जाएंगे, एंड करंट ट्रिप मीटर वगैरह सब कुछ आपको इसके अंदर शो करेगा। आप यहाँ पे ह्यूज एक MID ऑफर की जाती है, कंप्लीट डिजिटल आता है, एंड ये किया के अंदर सबसे ज्यादा मुझे खूबसूरत जो लगता है ये एक इंटीग्रेटेड कंडीशन में आपको कंप्लीट डिजिटल आपको
MIT प्लस इंफोटेनमेंट प्रोवाइड की जाती है जो बहुत ज्यादा प्रीमियम टच है। और इसके जो एनिमेशन वगैरह ये भी ये तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। इसके अंदर देख लीजिए स्पीडोमीटर आपको लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपको आरपीएम मीटर, बीच में कुछ छोटा सा डिस्प्ले जहां पे टेम्परेचर वगैरह शो करेगा एंड इसके साथ साथ ऑटोमीटर, ट्रिप मीटर एंड मल फंक्शन की इंडिकेशन वगैरह जो भी होना चाहिए सब कुछ आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। फ्यूल लेवल की इंडिकेशन, टायर प्रेशर, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको यहाँ पे जो स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट प्रोवाइड की जाती है वो भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे बेसिकली आपको टिल्ट भी ऑफर की जाती है एंड टेलीस्कोपिक भी ऑफर की जाती है, अपने रीच के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और हमारे पास ये जो कार है ये ऑटोमेटिक है तो इसकी वजह से आपको पीछे की तरफ दो पैडल शिफ्टर्स भी दिख रहे हैं। आप देख लीजिए पैडल शिफ्टर्स भी आपको मिल जाएगा एंड पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको और एक लीवर दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स कंट्रोल एंड यहाँ पे आपको वाइपर्स की कंट्रोल मिलेगा। रेन सेंसिंग वाइपर भी ऑफर की जाती है इस कार के साथ, इस वेरियंट के साथ स्पेशली। HTX ये जो वेरियंट है इसके साथ आपको टॉप नोच ही मिलेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि आपको GT लाइन मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था उसके अंदर सब कुछ टॉप नोच मिलता था, इसके साथ भी आपको टॉप नोच ही मिलेगा। बस एडस की सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं मिलता, बाकी सब कुछ आपको लगभग सेम ही मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको नहीं मिलता है, ये ड्रॉबैक है इस कार के साथ, लेकिन ओवरऑल फील आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। जैसे कि आपको यहाँ पे ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर की जाती है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल बोलते हैं जिसको कंपनी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे काफी सारे बटन्स वगैरह भी दे रखे हैं। आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली ऑटो में सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ मैनुअली भी रेगुलेट कर सकते हो। ड्यूल जोन क्लाइमेट के लिए आपको ड्राइवर अपने हिसाब से यहाँ पे क्लाइमेट सेट कर सकते हैं, को ड्राइवर अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ देखेंगे तो और भी काफी सारे कंट्रोल्स है, ये बेसिकली यहाँ पे जो इन्फोटेनमेंट दिया जाता है उसके कंट्रोल्स वगैरह है एंड फिजिकल नॉब भी दिया जाता है, ये भी काफी खूबसूरत ही दिखता है। एक बार आपको यहाँ पे जो इन्फोटेनमेंट प्रोवाइड की जाती है वो भी एक बार टच चेक करवा देते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे इसके जो टच रिस्पॉन्स वगैरह है वो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, काफी फ्लुएंट है, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगा, लैगिंग वगैरह तो खास करके नहीं मिलता है। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे काफी सारे कंट्रोल्स भी मिलेगा, आप देख लीजिए। सबसे पहले आप इसकी टच रिस्पॉन्स चेक कर लीजिए, काफी बढ़िया टच रिस्पॉन्स, आपको कोई भी लैगिंग तो मुझे खास महसूस नहीं हो रहा है। इसके अंदर आपको नेविगेशन मिलेगा, इसके अंदर व्हीकल के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपको इसके अंदर भर भर के डाली गई है। वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है आपको इस कार के साथ एंड इसके साथ साथ आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही वायरलेस कंडीशन में मिल जाएगा, तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। यहाँ पे जो इसके जो MID प्लस यहाँ पे जो इन्फोटेनमेंट दिया जाता है तो ये जो कनेक्टिंग वाला सिस्टम है ये सबसे पहले दिखाया गया था XUV700 के अंदर, जो चीज आपको किया सेल्टोस के अंदर भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ और भी काफी सारे कार जो इस प्राइस पॉइंट में आते हैं वो ऑफर कर रहे हैं, जो काफी अच्छी चीज है। आप यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टच ऑफर की जाती है, ब्लैक आउट है लेकिन फिर भी सॉफ्ट टच मिलता है। नीचे ग्लोब बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पे आई थिंक आपको सफिशियंट स्पेस वगैरह मिलेगा, लेकिन ये और भी ज्यादा ह्यूज हो सकता था गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशन के हिसाब से। काफी सारे पुस्तकें वगैरह है, आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो। सेंटर कंसोल की तरफ देखेंगे तो ऑटोमेटिक कार है तो ऑटोमेटिक गियर स्टिक आपको यहाँ पे मिलेगा। रियर व्यू कैमरा के लिए आपको यहाँ पे बटन प्रोवाइड की जाती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए आपको यहाँ पे बटन प्रोवाइड की जाती है एंड यहाँ पे ड्राइव मोड्स प्रोवाइड की जाती है, तीन ड्राइव मोड्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए भी आपको यहाँ पे बटन दिख रहा है। नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो USB ऑफर की जाती है, एक टाइप सी भी आपको इस कार के साथ प्रोवाइड की जाती है, ये भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है, आप ये भी देख सकते हो। 12 वोल्ट का एक आउटलेट्स भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नीचे यहाँ पे पैडिंग वगैरह आपको मिलेगा, दैट मींस यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलता है एंड और यहाँ पे देखेंगे तो और एक केबिन भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अंदर भी आप अपना फोन वगैरह, छोटा मोटा सामान वगैरह रखना हो तो वो भी रख सकते हो। आपको रियर व्यू कैमरा कैसी विजिबिलिटी ऑफर करते हो वो भी एक बार आप खुद चेक कर लीजिए। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो रियर व्यू कैमरा की जो विजिबिलिटी है वो मुझे तो लग रहा है काफी बढ़िया आपको मिलेगा। आपको कोई भी मतलब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जितना रिजोल्यूशन में दिया जाता है सफिशियंट आप कह सकते हो। किया सेल्टोस के अंदर आपको सबसे जो मेजर अपडेट आपको देखने को मिलता है इस साल, जो अपडेट आया है वो आपको यहाँ पे सनरूफ ऐड किया गया है, वो सबसे ज्यादा मेजर अपडेट है। तो अभी आपको यहाँ पे जो सनरूफ ऑफर की जाती है एक ह्यूज पैनोरमिक सनरूफ मिलता है, उसके एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल्स आता है, सिंगल टच में ओपन होते हैं, एक बार आप प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाते हैं। देख लीजिए पहले यहाँ पे जो सेड आता है वो पीछे की तरफ हट जाते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे सनरूफ की जो ये स्लाइड है ये पीछे की तरफ होता रहता है। तो आप देख लीजिए मतलब इस सेगमेंट में जितने भी कार्स आते हैं आई थिंक मुझे तो लगता है यहाँ पे सबसे ज्यादा वाइड एंगल में ये किया सेल्टोस के अंदर ही ओपन होता है सनरूफ। और यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ एयर वगैरह आ जाएगा, लाइट वगैरह आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इंडिया के अंदर जो जिस वेदर कंडीशन में हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे आई थिंक दिन के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे आप इसको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा धूप आ जाएगा, गाड़ी बहुत गर्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप नाइट के टाइम पे डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो एंड सिंगल टच में ओपन भी होता है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो बहुत प्रीमियम फील है। इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग सनरूफ बहुत पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से कंपनी ने इस साल इसको ऐड किया है। दोस्तों किया सेल्टोस की हम जिस वेरिएंट के अंदर बैठे HTX वेरिएंट, ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या फिर नहीं, तो मुझे लगता है ये जिस प्राइस पॉइंट में ऑफर किया जाता है 18,20,000 आपको एक शोरूम पड़ने वाला इस वेरियंट का,
अगर आप इसकी प्लस वेरिएंट को चूज करेंगे तो वहां पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी आ जाएगा, उसके लिए आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे विदाउट वेंटिलेशन सीट, यहाँ पे आपको होल्ड बटन आता है, होल्ड बटन प्रेस करके रखेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा और अंदर की केबिन कंप्लीटली कूल्ड हो जाएगा। तो आई थिंक आपको वेंटिलेटेड सीट्स की जरूरत नहीं पड़ने वाला है अगर ये होल्ड बटन फंक्शन के साथ आप इस कार को परचेस करते हो। तो मुझे लगता है ये जो वेरिएंट है इसके अंदर सब कुछ आपको टॉप नॉच मिलता है, कोई भी जगह पे आपको कमियां छोड़ी नहीं गई है, आपको बस यहाँ पे एडस नहीं आता है। अगर आपकी एडस की नीड नहीं है तो आप डेफिनेटली इस वेरिएंट को चूज कर सकते हो, ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपके लिए होने वाला है। अभी चलिए एक बार आपको इसके इंजन को ओपन करके दिखा देते हैं, वहां पे क्या कुछ ऑफर की जाती है, कितना पावर टॉर्क मिलता है वो भी बता देंगे। चलिए दोस्तों, किया सेल्टोस के अंदर आपको यहाँ पे 1.5 लीटर और डीजल इंजन ऑफर की जाती है, इसके साथ 1.5 लीटर का एक पेट्रोल का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन डीजल इंजन अभी फिलहाल हमारे पास, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे आपको इंसुलेशन प्रॉपरली यूज की जाती है, आप ये भी देख सकते हो क्योंकि गाड़ी डीजल इंजन के साथ आता है, इंसुलेशन होना चाहिए। पेट्रोल के साथ भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली इंसुलेशन मिल जाएगा, वहां पे कोई भी दिक्कत आई थिंक नहीं होगा। यहाँ पे जो इंजन ब्लॉक ऑफर की जाती है कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, आप ये देख सकते हो, कूलेंट आपको यहाँ पे, ब्रेक ऑयल यहाँ पे, वाइपर की पानी डालने की जगह यहाँ पे, एंड ओवरऑल यहाँ पे आप देख लीजिए 16V यानी 16 वाल्व ऑप्शन के साथ आता है। दैट मींस 4 सिलेंडर इंजन के अंदर से आपको जितना पावर एंड टॉर्क निकलता है 115 BHP पावर मिलता है एंड साथ ही साथ आपको 250 Nm की टॉर्क भी मिलता है, 250 Nm टॉर्क एंड 115 BHP का पावर मिलता है। तो ये जो पावर एंड टॉर्क फिगर है ये आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। अगर आप सिटी के अंदर घूमना चाहते हो, हाईवे के अंदर भी घूमना चाहते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको पावर लैगिंग इस कार के साथ नहीं मिलने वाला है। 250 Nm टॉर्क मतलब मोर देन सफिशिएंट आप बोल सकते हो। अगर आप किया सेल्टोस की कोई भी वेरिएंट चूज करने के बारे में सोच रहे हो तो ये जो टेक लाइन है, टेक लाइन के अंदर जो जो वेरिएंट आते हैं वो ई वेरिएंट हो या फिर के वेरिएंट हो या फिर एक्स वेरिएंट, जो हमारे पास अभी आपने देखा एक्स वेरिएंट हालांकि एक टॉप लॉन्च वेरिएंट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके बजट 20 लाख के आसपास है तो डेफिनेटली आप इस कार को चूज कर सकते हो। अगर आपकी बजट इससे भी थोड़ा सा कम है, 15 लाख के आसपास है या फिर 16-17 लाख के आसपास है, तो आप के वेरिएंट या फिर ई वेरिएंट भी चूज कर सकते हो। ये वेरिएंट एक बेस वेरिएंट हो जाते हैं, अगर आप के वेरिएंट भी चूज करेंगे तो भी आपके लिए वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाला है। तो वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो कैन लाइक एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो। और हाँ, और एक बात, अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हो एंड किया की कोई भी कार परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो आप सिलिका किया पे कांटेक्ट कर सकते हो, इसकी कांटेक्ट डिटेल्स एंड गूगल मैप लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।